इंट्रो डिस्कस करते हैं। देखिए जी, F9 का जो आपका पेपर है उसके अंदर जो कोर एरियाज हैं, वन ऑफ द कोर एरिया इज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है। अच्छा, F9 एक ऐसा पेपर है जिसका पीछे बैकग्राउंड पे आपने कोई पेपर नहीं पढ़ा। थोड़ी बहुत जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की चीजें हैं वो F2 के अंदर थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती हैं। अदर देन दैट, F9 इज अ न्यू पेपर ना, ठीक फंडामेंटल्स। है सर। तो हमारे पास ये एरियाज हैं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज जिसके ऊपर पूरा पेपर बनता है। और ये मैं प्रायोरिटीज के हिसाब से एरियाज लिख रहा हूँ, सिलेबस भी और एरियाज भी। ये चार तो टॉप मोस्ट एरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग एरियाज हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आते हैं पेपर में, सवाल लाजमी होगा उनसे भी, लेकिन वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये है F9 का ओवरऑल सिलेबस, ठीक है। अच्छा, F9 का जो पेपर पैटर्न है उसके अंदर हमारे पास सेक्शन ए 15 OTQs कवरिंग द होल सिलेबस, सेक्शन बी 3 क्वेश्चन 10 मार्क ईच, 5 OTQs वाले, और सेक्शन सी 40 मार्क्स का होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। सही, राइट। जी सर। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर एक क्वेश्चन लाजमी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से आएगा, कंपलसरी समझ लें इसको। और जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो लाइकली है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से भी हो सकता है, और इट माइट बी एनी अदर एरिया सच एज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है ये पक्का पक्का सवाल है, जो कि F9 के अंदर एक 20 मार्क्स का सवाल बनकर आ सकता है, या पार्शल, उसमें कुछ थ्योरेटिकल एरियाज या दूसरे टॉपिक्स में मिक्स हो सकते हैं। और इट माइट बी पॉसिबल कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ना है, बल्कि उसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कनेक्टेड टॉपिक है, दोनों एक साथ एग्जामिन हो सकते हैं, तो ये दोनों मर्ज करके एग्जाम में सवाल बन जाए, ठीक है। इज इट फाइन? हेलो जी जी, सर। सर। अच्छा जी, तो अब क्योंकि इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, तो अल्टीमेटली इट्स अ वेरी न्यू डिस्कशन। सो सबसे पहले तो हम एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लें कि आप लोगों को ये पढ़ने के लिए कैपलन की बुक इज मोर देन इनफ, ठीक है। और कैपलन की ही रिवीजन किट इज मोर देन इनफ, बस बहुत है ये, इट्स मोर देन इनफ टू पास दिस पेपर। और बाकी F9 के पास्ट टेक्निकल आर्टिकल्स, ये बहुत ज़रूरी हैं F9 पास करने के लिए, और ऑब्वियसली लेक्चर्स, ठीक है। BPB को आप एज अ सपोर्ट टूल इस्तेमाल कर सकते हो इफ़ यू हैव टाइम, अगर टाइम कंस्ट्रेंट है तो डू नॉट यूज BPB, जस्ट यूज कैपलान बुक एंड कैपलान रिविजन किट इज इनफ। क्योंकि जो कैपलान रिविजन किट है उसके अंदर आपके पास पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे, और एडिशनल पास पेपर्स फिर वो मैं सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा जो कि अपलाइन के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो भी इम्पोर्टेंट एरियाज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ये जो एरियाज है ना, दिस इज बेसिकली इंट्रो इन F9, ये P4 में डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और F9 जो है वो P4 का प्री रेक्विजिट है प्रोफेशनल स्टेज के ऊपर। लेकिन जो अबव टॉप एरियाज हैं, ये तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं F9 के। F9 का मेजॉरिटी पेपर इन चार एरियाज प्लस ये जो 2 एरियाज हैं उनसे बनता है,
और जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है ये है प्योर थ्योरी, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं. सो एज फार एज द कैलकुलेशन एंड थ्योरेटिकल मिक्स इज कंसर्न, तो F9 के अंदर अब लाइकली जो कुछ तो कुछ कह नहीं सकते, इट माइट बी 70-30 और बहुत एक्सट्रीम केसेस में इट माइट बी 60-40, लेकिन ऑन एवरेज जो है वो 25-30% थ्योरी एक्सपेक्टेड होती है F9 के अंदर. राइट, यहां तक ठीक है? अच्छा जी, अब देखिए F9 है क्या. F9 which is financial management, it's all about three decisions, and that three decisions are: number one, the financing decision; B, the investment decision; and C is your dividend policy. ये तीन areas हैं जिस पर पूरा paper जो है majority paper इस तीन areas पे बना हुआ है. और you can say that कि एक finance manager जो होता है उसको क्या चीज manage करनी होती है, उसे अपनी financing decision manage करने, investment decision manage करने, and dividend policies को manage करने. और इन सब के पीछे हमारा एक common objective है, and that common objective is to maximize the wealth of shareholders. यही कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? जी सर. या कोई और ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का? नहीं, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी एंटिटी का, स्पेशली हम पब्लिक लिस्टेड प्रॉफिट एंटिटी की बात करें तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इट माइट बी एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, अब व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? इन्वेस्टमेंट. नो सर. अच्छा रिटर्न, शेयर प्राइस, शेयर होल्डर्स का रिटर्न. ठीक है, अब शेयर होल्डर्स का रिटर्न उन्हें कैसे मिलता है? डिविडेंड एंड शेयर प्राइस. डिविडेंड. ठीक है, डिविडेंड क्या कंपलसरी होता है? नो सर. इसका मतलब है डिविडेंड तो उन्हें हो सकता है मिले भी ना, लेकिन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ shareholders wealth is dividend, right? Another component is capital gain. What is capital gain? तुम लोगों ने F6 में पढ़ा होगा capital gain. Increase in share price, तो capital gain होगा, तो capital loss भी हो सकता है. जी सर. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि shareholders का जो return होता है वो guaranteed नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता. डिविडेंड क्या होता है? ऑप्शनल, और डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं व्हाट टू पे, राइट? और कैपिटल गेन इट माइट रिजल्ट्स इन कैपिटल लॉस. तो जब डिविडेंड भी कंपलसरी नहीं है और कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस भी हो सकता है, तो हम ये कहते हैं कि शेयर होल्डर्स बिजनेस में सबसे ज्यादा रिस्क कैरी कर रहा होता है. ठीक है, और फाइनेंस में ये रूल है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा रिटर्न क्या होगा? हाय, होना चाहिए ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स को गारंटीड रिटर्न तो नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए हम कमिट तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पास्ट ट्रेंड ये बताएगा कि हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स का रिटर्न जो हम एंटिसिपेट करते हैं उतना ही हम देते हैं, यानी कि एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि दो चीजों से मिलके बन रहा है, वन इज डिविडेंड और कैपिटल गेन. दिस इज द रीजन वाई अगर आपको शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करना है तो कंपनी को एटलीस्ट हर साल डिविडेंड देना चाहिए. एग्रीड? लेकिन कंपनी हर साल कंसिस्टेंसी के साथ डिविडेंड नहीं देती, कुछ देती है कुछ नहीं देती, कुछ कम देती हैं कुछ ज्यादा देती हैं. ये चीज हम डिस्कस करते हैं, एक सूटेबल डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है. पहला डिसीजन, क्या कंपनी को हर साल डिविडेंड देना चाहिए? क्या ख्याल है? नो सर, नहीं देना चाहिए. नहीं देंगे तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ मिनिमाइज हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव खराब हो जाएगा.
सर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा ना? हर शेयर होल्डर लॉन्ग टर्म पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कुछ शेयर होल्डर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी डिविडेंड पे कट करती है, डिविडेंड नहीं देती, तो इट माइट फ्रस्ट्रेट फ्यू शेयर होल्डर्स, और जब भी शेयर होल्डर फ्रस्ट्रेट होंगे शेयर प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। तो ये बहुत बच्चों वाला कोई डिसीजन नहीं, इट्स वेरी क्रिटिकल डिसीजन कि हाउ टू डिसाइड कि कितना डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सही है? सही। तो ये हम डिविडेंड के चैप्टर में पढ़ेंगे, दो चीजें डिस्कस होंगी कि कंपनी को पे आउट करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा या कंपनी को रिटेन करना चाहिए। ठीक है राधा, मुझे ये लिखना चाहिए कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है कंपनी को पे आउट करना चाहिए या कंपनी को रिटेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ख्याल है? सर एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग को देख के करना चाहिए, क्या हवा चल रही है या बारिश हो रही है नहीं हो रही, इसको देखो। नो सर, मार्केट को देख के, अपने देखने के कि मतलब लॉसेस हैं तो ना दें, अगर ज्यादा मुनाफा करना चाहती है तो रिटेन होगा ही। चलिए फाइन, अगर हम डिसाइड कर लें देना या नहीं देना, देने के लिए हमारे पास सफिशिएंट कैश फ्लो होना चाहिए जी। अगर कैश फ्लो बहुत अच्छा है तो डिविडेंड देना चाहिए जी। इसका मतलब है डिविडेंड सब्जेक्टिव है, राइट? कुछ केसेस में हमें लगता है कि देना चाहिए, कुछ केसेस में लगता है नहीं देना चाहिए, तो इसको हम पेंडिंग में डाल देते हैं कि डिविडेंड इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, इट विल बी डिस्कस लेटर ऑन के व्हाट इज द सूटेबिलिटी ऑफ पेइंग आउट द डिविडेंड। ठीक है, लेकिन एक बात जहन में रहे कि डिविडेंड ना देने से शेयर होल्डर परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और जब भी आप शेयर होल्डर को डिस्टर्ब करेंगे शेयर प्राइस गिरेगी, माइंड में रहे। ठीक है, चले दूसरे डिसीजन पे बात करते हैं। कंपनी के पास फंड्स कहां से आते हैं? लोन से और शेयर करने से। ठीक है, कंपनी का जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है ना, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यू नो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी होती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी होती है। ठीक है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का एक सोर्स होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। F9 में पूरा चैप्टर इक्विटी फाइनेंसिंग, सिमिलरली एक पूरा चैप्टर है डेट फाइनेंसिंग। तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म में ऑप्शन क्या है? आइदर कंपनी कैन रेज इक्विटी फाइनेंसिंग, ये मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक लिस्टेड एंटिटी की, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा। ये तो पता है ना पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट लिस्टेड में क्या फर्क होता है? जी सर। तो इक्विटी फाइनेंसिंग एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट में फ्लोट करते हैं। तुम लोगों को अच्छी तरह से पता है, F3 में तुम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं और प्रेफर्ड शेयर्स क्या होते हैं, राइट? इसी तरह कंपनी जब डेट फाइनेंसिंग की बात करती है तो कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है, कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है, कंपनी बैंक लोन ले सकती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डेट फाइनेंसिंग। ठीक है जी, क्या लेना चाहिए कंपनी को, व्हाट इज द प्रायोरिटी, इक्विटी फाइनेंसिंग या डेट फाइनेंसिंग? सर इक्विटी। इक्विटी व्हाई? सर क्योंकि इक्विटी में हम बाउंड नहीं होंगे ना, कि मतलब अगर मुनाफा हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे, लोन में फिर देना ही पड़ेगा ना। लेकिन इक्विटी होल्डर जो है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्क लेता है तो उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बहुत हाई होता है, और अगर हम उसे एक्सपेक्टेड के अगेंस्ट एक्चुअल रिटर्न नहीं देंगे तो वो कंपनी की होल्डिंग छोड़ देगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हम इक्विटी फाइनेंस लेते हैं बहुत ज्यादा तो अल्टीमेटली हमें इक्विटी होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर कैपिटल गेन नहीं हुआ तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तब भी हम इक्विटी फाइनेंसिंग लें। और लोन कैपिटल में तो ऐसा भी होता है ना, हमें एक पता होता है कि हमें कितना पे करना है तो हम प्लान कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रहे फाइनेंस पढ़ते वक्त कि डेट जब भी आप रेस करते हैं तो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। जब कंपनी डेट के फॉर्म में बोरो करेगी तो डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है,
अब ये तो होता है चीपर अट्रैक्ट करता है, अगर हमें अपनी कॉस्ट को डाउन करना है तो हमारी फाइनेंसिंग के अंदर ज्यादा प्रोपोर्शन किसका होगा, डेट फाइनेंसिंग का होना चाहिए, राइट? लेकिन लेकिन अगर कंपनी डेट फाइनेंसिंग लेती है ज्यादा तो इंटरेस्ट कंपलसरी होता है, कंपनी इंटरेस्ट देगी कहां से? प्रॉफिट से। और प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोलैप्स हो जाएगी जी। इसका मतलब है कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट हो गया कि इक्विटी के फॉर्म में पैसा ज्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम, डेट के फॉर्म में लेंगे तो प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमें एक आइडियल मिक्स चाहिए, एंड दैट आइडियल मिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, सही है? तुम लोगों ने गियरिंग रेशियो पढ़ा जी सर, वो इसी को कहते हैं गियरिंग रेशियो। एक आइडियल गियरिंग रेशियो क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, कितना डेट होना चाहिए, कितनी इक्विटी होनी चाहिए जी सर, ये थोड़ा पढ़ा है। क्या होना चाहिए एक आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या होना चाहिए सर? 1:1 से ज्यादा। तो परसेंटेज में ले लेते हैं 150-60, 1 तो फिर समझ नहीं आएगा, 60-40 होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, सब बेकार है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज नो फिक्स्ड डेट एंड इक्विटी रेशियो, सही? ये हम F9 में डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी अ सूटेबल डेट टू इक्विटी रेशियो, व्हाट शुड बी एन आइडियल गियरिंग रेशियो, सही? बाद में डिस्कस करेंगे। कंपनी टू कंपनी वेरी नहीं करता, मतलब कौन सी इंडस्ट्री में है आपका, आपकी कंपनी? सिर्फ कंपनी पे वेरी नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता, लेकिन क्योंकि एज आई सेड डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, इस पे तो एग्री करोगे, डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस जी सर। क्यों, व्हाई सर? क्योंकि इंटरेस्ट देने के बाद जान छूट जाएगी और इक्विटी वाले सारी जिंदगी खाते रहेंगे डिविडेंड। ये तो फिर चीपर का क्या रीजन होगा, दिस इज नॉट अ रीजन ना, चीपर चीपर इस वजह से तो नहीं होगा। एक फिक्स्ड अमाउंट पता होती है इंटरेस्ट, इसको बेस बनाते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। फॉर एग्जांपल हमजा इज अ शेयर होल्डर एंड यू लॉस्ट, चले नीचे लिख देता हूँ, जितना रिस्क ज्यादा होगा, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, चाहिए? तो जो इन्वेस्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हमजा इज अ शेयर होल्डर, हमजा को ये पता है कि कंपनी में सबसे पहले जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो डेट होल्डर को पे किया जाएगा, उसके बाद कंपनी का आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आएगा, उसके बाद मुझे मिलेगा। अगर डेट होल्डर ज्यादा हुए, अगर इंटरेस्ट ज्यादा हुआ तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो बचेगा ही नहीं, तो हमजा जो है ना वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है कंपनी के अंदर, और उस रिस्क के अगेंस्ट उसकी कंपनसेशन क्या है, उसे हाई रिटर्न मिलना चाहिए, सही है? नाउ क्योंकि डेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? डेट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट क्या है, लेस रिस्की है, सो इन्वेस्टर उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न डिमांड नहीं कर सकता, लेस रिटर्न सो लेस कॉस्ट। ये बात समझ में आती? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है तो कॉस्ट ऑफ डेट इज लाइक 8% लेस देन होगी, सही है? अच्छा एक और रीजन ये होता है कि जब हम इंटरेस्ट को एक्सपेंस आउट करते हैं तो इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, राइट? डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, इससे क्या फर्क पड़ेगा? टैक्स पे कम होगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ डेट जो हम 8% पे कर रहे हैं वो 1-T हो जाएगी। अगर टैक्स रेट 30% है तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है जो कि 8% है वो आ जाएगी 5.6%। इसका ये मतलब हुआ कि कॉस्ट ऑफ डेट ऑलरेडी चीपर है और टैक्स एडवांटेज की वजह से कॉस्ट ऑफ डेट और चीपर हो जाती। सो ये जो चीपर एलिमेंट है
ये हमें अट्रैक्ट करता है और हम कहते हैं ज्यादा डेट होना चाहिए और इक्विटी कम होनी चाहिए, राइट? ये मैंने एक बेसिक आर्ग्यूमेंट बता दिया सोचने के लिए, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कंपनी को अपना डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेज करना पड़ेगा कि वो किस रेशियो के ऊपर कंफर्ट जोन के अंदर है कंपनी। इट माइट बी कि वो 50-50 पे कंफर्ट में हो, और इट माइट बी कि वो 60-40 में कंफर्ट में। इसका कोई रूल मौजूद नहीं है दुनिया में, तो उसको हम डिटेल से क्यों है टैक्स डिडक्टेबल, क्या कह रहे हो? ये टैक्स डिडक्टेबल क्यों है इंटरेस्ट? इसलिए कि टैक्स अथॉरिटी, तुमने F6 में पढ़ा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस शो करते हैं, तो टैक्स वाले कहते हैं इट्स अलाउबल। तो जब इंटरेस्ट अलाउबल होगा तो प्रॉफिट कम होगा जी, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। दिस इज द टैक्स एडवांटेज, राइट? लेकिन जब डिविडेंड को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डालेंगे तो टैक्स वाले रिवर्ट कर देंगे, कहेंगे डिसअलाउड एक्सपेंस, तो वो हमारे टैक्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, सो डेट चीपर सोर्स क्यों होता है? दो रीजन है डेट के चीपर सोर्स होने के। डेट चीपर होता है उसके दो रीजन हो गए। एक रीजन क्या हो गया? लेस रिस्क इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा रीजन क्या हो गया? इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो एग्जाम में थ्योरी में पूछता है कि डिस्कस व्हाई डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो आप क्या लिखोगे? ये दो रीजन लिखोगे। From investor's point of view, as interest is guaranteed, so less risk, that means less return. Or tax ke point of view se, interest is tax deductible, so company will get tax benefit on interest payment, that's why it's cheaper. Right? Ab teesri cheez pe baat kar lete hain. Investment decision. कंपनी जब फंड रेज करती है तो वो फंड कहीं इन्वेस्ट करती होगी ना जी सर। कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसमें होती है? कंपनी कोई प्रोजेक्ट लगा रही होती है, कोई नई प्रोडक्ट डेवलप कर रही होती है, या कंपनी मर्जर एंड एक्विजिशन में पैसा लगाती है। ये दो तरीके हैं ना जी। तुमने शायद पढ़ा होगा एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, सुना है? नो सर। No, sir. शायद F1 में सुनना चाहिए था तुम्हें। हॉरिजॉन्टल एक्विजिशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये नहीं पढ़ा तुम लोगों ने कहीं? अभी सुना भी नहीं है? आज तक नहीं सुना? सही। चलो खैर है। अच्छा खैर, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो कंपनी का टारगेट होगा रिटर्न, कि हमें इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी वो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है तो कंपनी कहती है हमें रिटर्न को मैक्सिमाइज करना, और उसके लिए वो क्या करती है? इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एनपीवी कैलकुलेट करती है, या आईआरआर कैलकुलेट करती है, या पेबैक। ये पढ़े हुए तुमने F2 में? ये पढ़े हुए ना तुमने? तो हम कहते हैं कि अगर हम प्रोजेक्ट अप्रेजल करते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, तो हमारे लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? एनपीवी पॉजिटिव होनी चाहिए, IRR जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए, पे बैक पीरियड कम से कम होना चाहिए। ये डिसीजन क्राइटेरियाज हैं, ठीक है? ये हम इन्वेस्टमेंट के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये मेन तीन चीजें मैंने बता दी एक इंट्रो के तौर पर जो हमें पढ़नी है। एक हो गया हमारा डिविडेंड डिसीजन, एक हो गया हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक हो गया हमारा इक्विटी डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, अब लेट्स जंप टू द फर्स्ट डिस्कशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तुमने टर्म सुनी है कभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की? जी सर, एक परसेंटेज होती है। होती मार्केट होती क्या है? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर? मार्केट रेट? नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? जब हम फाइनेंस रेज करते हैं ना, जब भी हम फाइनेंस रेस करते हैं तो इन्वेस्टर को कुछ पे करना पड़ता है ना, तो जो कुछ हम इन्वेस्टर को पे करेंगे दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस, इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर अगर फाइनेंस इक्विटी की फॉर्म में होगा तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी?
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और अगर फाइनेंस डेट की फॉर्म में होगा तो ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। अच्छा ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है एनपीवी निकालिए कभी? जी सर। कैसे निकालते हैं? सारे कैश इनफ्लोस जो भी होंगे उन और आउटफ्लोस उनको आज की प्रेजेंट वैल्यू पे निकालते हैं। देखो एक चीज ध्यान में रखना, F9 में रट्टे लगाने की जरूरत नहीं। F9 जो है ना बड़ा कॉन्सेप्चुअल पेपर है, इसलिए हर चीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्लियर होगा तो तुम अपनी लैंग्वेज में भी लिखकर आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। रट्टे मारने की जरूरत नहीं, F9 इज नॉट रट्टाफिकेशन, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर करो हर चीज की। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। सही सर, आवाज आपकी कट गई थी, दोबारा बोल देता हूँ। जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। इज इट फाइन? जी सही है। जी जी। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें डिस्काउंट रेट की जरूरत पड़ती है। वो डिस्काउंट रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो डिस्काउंट रेट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो सर इंटरेस्ट रेट क्या चीज होती है फिर? इंटरेस्ट रेट मैं बताता हूँ, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट होता है, इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ रही है, वी नीड फाइनेंसिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, और हमने उसकी फाइनेंसिंग जो है 50% इक्विटी की फॉर्म में रेस की और 50% हमने डेट की फॉर्म में रेस की, ठीक है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मैं इक्विटी रेस कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है। मैंने कहा जी 12% कॉस्ट इक्विटी की है, और डेट की कॉस्ट कितनी है? मैंने कहा जी 8% डेट की कॉस्ट है। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है इस फाइनेंसिंग की। तो मैं कहूंगा इक्विटी में परसेंटेज क्यों होगी, वो तो फिक्स नहीं होती ना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फिक्स नहीं होती लेकिन कैलकुलेट तो करेंगे ना। तो मैंने 0.5 इक्विटी को दे दिया, 6% मेरी इक्विटी का वेटेज हो गया और 8% था तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 4%। इन दोनों को सम किया तो मेरी ये जो 10% आ रही है दिस इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऐसे निकलती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा ये वो परसेंटेज होती है जो हम आरओआई निकालने में यूज करते हैं, इसका इसलिए अभी इसको आरओआई से भी हम डिस्टर्ब नहीं करते। ये वो परसेंटेज है 10% जो कि एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट है हमारी फंडिंग की, जो हमें शेयर होल्डर्स को और डेट होल्डर को देनी है। अच्छा। लेकिन ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विटी की जो कॉस्ट है वो एक्चुअल हो नहीं सकती, वो क्या होती है, वो एक्सपेक्टेड रेट कॉस्ट होती है। इसलिए ये 10% हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या है, एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, करेक्ट। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे पास फंडिंग इक्विटी की फॉर्म में कितनी है और डेट की फॉर्म में कितनी है। दो चीजें, वेटेज पता होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड वेटेज। और दूसरी चीज मुझे क्या पता होनी चाहिए, दोनों की रिस्पेक्टिव कॉस्ट कितनी है, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है। अदरवाइज हम नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन अब एक कनेक्टिविटी हम चेक करते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी ना, ठीक है। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ना जी, वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए एनपीवी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए?
इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना चाहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को, तो हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डाउन करना पड़ेगा। जी सर। राइट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाउन कैसे होगी? हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? क्या ज्यादा डेट लें, ज्यादा इक्विटी लें? नो सॉल्यूशन। इतना आसान काम नहीं है ये फाइंड आउट करना। फिर भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब हम एक ऐसा मिक्स बनाएंगे जिसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज हो जाए। To minimize the cost. पहली डिबेट हम इस बात पे नहीं कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज कैसे करते हैं। पहली जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। राइट, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस पे डिपेंड कर रही है? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर। तो हमारे जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हैं, जो पेपर में भी आते हैं और हम यूज भी करते हैं, वो तीन तरह के होते हैं। एक हो गई आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स हमेशा किस में आते हैं? इक्विटी। दूसरा हमारा टाइप ऑफ फाइनेंसिंग हो सकती है जो कि इक्विटी और डेट के दरमियान आती है, प्रेफर्ड शेयर्स। ये भी फाइनेंसिंग का एक टूल है। और थर्ड हमारे पास आता है डेट फाइनेंसिंग। सही? जी सर। हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग होनी चाहिए। कंपनी यूजुअली क्या करती है? मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग लेती है, इक्विटी भी लेती है, डेट भी लेती है, प्रेफर्ड कभी लेती है कंपनी, कभी नहीं लेती। ठीक है, तो अगर हमारी फंडिंग में इक्विटी फाइनेंसिंग शामिल है तो इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर प्रेफर्ड शेयर्स भी हैं तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स। और अगर डेट फाइनेंसिंग भी है तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग। और फिर इसके अगेंस्ट मैं एक एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा एंड दैट एवरेज कॉस्ट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ तक कोई सवाल? No, जैसे प्रेफर्ड शेयर है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड शेयर कैलकुलेट क्यों करेंगे? उसमें जो कैटेगरी होगी शेयर्स की तो वैसे उसमें करेंगे ना। देखो, प्रेफर्ड शेयर से अगर फंडिंग ली है तो प्रेफर्ड शेयर वालों को कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो प्रेफर्ड शेयर में जैसे रिडीमर आते हैं तो उन दो कैटेगरीज में ही आ जाएंगे ना। हाँ, वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर, वो अकाउंटिंग का मसला है, वो फाइनेंस का मसला नहीं कि उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए या इक्विटी रिकॉर्ड करना चाहिए। हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, ठीक है, हमारे लिए मसला नहीं है हमारे लिए। हाँ, परसेंटेज फिक्स होती है लेकिन गारंटीड नहीं होता डिविडेंड, इसलिए उसकी भी कॉस्ट क्या होगी? एक्सपेक्टेड कॉस्ट होगी, एक्चुअल कॉस्ट नहीं होगी। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जब हम इशू करते तब उसकी परसेंटेज फिक्स होती है ना? डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स होती है लेकिन वो गारंटीड नहीं होता, सिर्फ परसेंटेज फिक्स होती है। रिमेंबर, तो हम हर साल ये निकालेंगे, हर साल निकाल सकते हैं ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल? हर फाइनेंसिंग, जब भी फाइनेंसिंग रेस करेंगे उस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकैलकुलेट होगा। सही है जी सर। अच्छा, आज जो मैं, हाँ बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस साल, हमारा प्लान है कि हम डिविडेंड्स देंगे प्रेफर्ड शेयर्स को, तो उस हिसाब से परसेंटेज निकालेंगे। किसी साल हम नहीं डिविडेंड देंगे तो फिर उसकी जीरो परसेंटेज निकालेंगे। अगर हमने ऑलरेडी प्लान किया हो कि इस साल हम देंगे नहीं डिविडेंड तो जीरो परसेंट देंगे।
नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम डिविडेंड दें या ना दें, हमें उसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट को कैलकुलेट करनी है. हम तो एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे चल रहे हैं, हम एक्चुअल की बेसिस पे नहीं चल रहे. और एक्सपेक्टेड होके देनी नहीं है तो ये सब कैसे हो सकता है? शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कैसे करेंगे? अगर हमारी इंटेंशन ही यही है कि हमें नहीं देनी, तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होगा. अगर बाद में हम ना दें, वो एक अलग इशू है कि हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही गलत कैलकुलेट की थी. अच्छा, क्योंकि हम एक्चुअल बेसिस के ऊपर तो बाद में बात करेंगे जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा. अभी तो हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट लगाते वक्त हम ये बात करेंगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमें लेनी है कि इस प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद हमें कितना रिटर्न देना पड़ेगा. बिल्कुल. अच्छा, मैं जरा इसको दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ. आई एम जस्ट सेंडिंग यू अनदर आईडी, जस्ट वेट.